वेलकम टू चलिए इंग्लिश क्लासेस विद सादिक सर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए व्हाट टू का यूज, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इसको हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह, बिल्कुल आपको वैसे ही करने का पढ़ना है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल चंदेरी इंग्लिश क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, ताकि हमारी आने वाली इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी इंग्लिश की वीडियो से फायदा उठा सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि उन तक ये पहुंच सके। आइए पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं व्हाट टू। क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों? वॉन्ट टू, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वॉन्ट टू हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आइए दोस्तों इसकी हिंदी जान लेते हैं। वॉन्ट टू की हिंदी क्या होती है, हम आपको बोर्ड पर दिखा रहे हैं। वॉन्ट टू की हिंदी होती है दोस्तों चाहती है और चाहते हैं। चाहती है और चाहते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखाई देगी, चाहती है। दोस्तों ये वॉन्ट टू की हिंदी पहचान होती है। जिन शब्दों के अंत में चाहती है वर्ड आता है, वहां हमें वॉन्ट टू का यूज करना है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ध्यान से, कि इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। आइए स्ट्रक्चर जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम यहाँ से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट लिखना है, फिर प्लस वॉन्ट को दोस्तों वॉन्ट्स टू लिखना है, इसमें एस लगा होगा, वॉन्ट्स टू। प्लस दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वॉन्ट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब हमें करना क्या है, इसकी शॉर्ट बात जान लीजिए। वॉन्ट्स टू को शॉर्ट में वोना कहते हैं दोस्तों, वोना। वॉन्ट टू को शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों, वोना कहते हैं। चाहे वॉन्ट टू कहे या वोना कहे, बात वही रहेगी। आइए दोस्तों जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेगेटिव दोस्तों इस तरीके से बनाना है, पहले सब्जेक्ट, फिर दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है डू और डज। क्या नाम है? डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इसमें अपन को आगे मिलेगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे दोस्तों डू और डज। क्या लिखेंगे? डू। आइए दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डू और डज लिखते हैं, फिर तीसरे नंबर पर दोस्तों नॉट लगाना है, तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, फिर इसके बाद हमें यहाँ से जो वॉन्ट्स में एस लगा था, इसको हटा देंगे, वॉन्ट टू बचने देंगे। क्या बचने देंगे? वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों इसका इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जिसका नाम है डू और डज, दोस्तों आगे उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वॉन्ट टू लिखना है। दोस्तों क्या लिखना है? वॉन्ट टू लिखना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरगेटिव सेंटेंस में एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन मार्क लगाना क्या होता है दोस्तों? अति आवश्यक होता है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क लगाना इंटरगेटिव सेंटेंस में। आइए दोस्तों इंटरगेटिव सेंटेंस में हम आपको एक सेंटेंस बना करके समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपको पता है ही शी इट नेम के साथ, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ही शी इट और नेम के साथ वॉन्ट में एस लगना है, वॉन्ट में एस लगना है। और आई वी यू दे के साथ दोस्तों बोर्ड पर नहीं लिखना है, आप लिख लीजिएगा कि आई वी यू दे के साथ वॉन्ट में एस नहीं लगना है। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट नेम हुआ तो वॉन्ट में एस लगना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट नेम ना होकर के आई वी यू दे हुआ तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों? कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट वॉन्ट टू लिख देंगे। आइए एक सेंटेंस बना दिया, ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस है जैसे मैं जाना चाहता हूं, नंबर एक क्या है, मैं जाना
चाहता, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मेरे लिए आई, आई के साथ वॉन्ट। अब इसमें दोस्तों एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है, आई वी यू दे के साथ वॉन्ट में एस नहीं लगाना है, समझ गया ना, आई वी यू दे के साथ वॉन्ट में एस नहीं लगाना है। तो आई वॉन्ट और डायरेक्ट टू जाने के लिए गो, आई वॉन्ट टू गो। और दोस्तों इसको दूसरी तरीके से बोलना चाहे तो आई वाना गो, क्या हो जाएगा दोस्तों, आई वाना गो, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इसी का दोस्तों नेगेटिव बनाएंगे तो आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगता है दोस्तों, डू लगता है, आई डू नॉट, आई डू नॉट वॉन्ट टू, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आई दोस्तों एक नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको एक और सेंटेंस जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे वह अंग्रेजी, वह अंग्रेजी सीखना चाहता, वह अंग्रेजी सीखना चाहता, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है, तो वह के लिए ही, और इधर क्या ही के साथ वॉन्ट में एस लगेगा तो वॉन्ट्स हो जाएगा, he wants, फिर टू, ही वॉन्ट्स टू, ही वॉन्ट्स टू। अब दोस्तों क्या लिखना है, आप देखिए वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है इसमें, सीखना, सीखने में इंग्लिश में बोलते हैं लर्न, क्या बोलते हैं दोस्तों, लर्न, ही वॉन्ट्स टू लर्न, ही वॉन्ट्स टू लर्न, क्या सीखना चाहता है, इंग्लिश, हम लिख देंगे यहाँ पर इंग्लिश, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों तो हमें क्या करना होगा, ही, और ही के साथ क्या लगता है, डज, तो ही के साथ क्या लगता है, डज, ही डज, और तीसरे नंबर पर Not, he does not. अब wants to का दोस्तों want to हो जाएगा, s हट जाएगा इसमें से, क्या हो जाएगा, want, यहाँ पर s लगा है, यहाँ पर s नहीं लगेगा, यहाँ पर s नहीं लगेगा। He wants, he does not want to, want to learn English, learn English, learn English। और दोस्तों इसी तरीके से जब interrogative sentence हम बनाएंगे तो दोस्तों करना क्या है, हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों हमें डज को आगे लाना है, डज ही, इसमें नॉट आता नहीं है, डज ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, और अब हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हम एक बार हट जाते हैं, आप इसके पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, हम एक बार हट जाते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, और अब दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों ये था वॉन्ट टू का यूज, इसका नेक्स्ट है उसको बोलते हैं वॉन्टेड टू, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।